अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 10 बहुत ही बेहतरीन किस्म की टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसे आपने अपने पल्लू के साथ बांध लेना है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। सारी चीज़ों का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल करना है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आपने जी पानी जो है ना वो रज के पीना, ताकि आपकी स्किन फ्रेश दिखे और ग्लो करे। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि हेल्थी फूड जो है ना वो आप लोगों ने खाना पीना है, ना कि जंक फूड की तरफ जाना है, और ना ही कोई अल्टम बल्टम चीज़ें खानी है जो कि आपकी हेल्थ को ख़राब करें और आपके फेस पर एक्ने वगैरह का कोई इशू हो जाए। तीसरे नंबर पर आ जाता है जी स्वेटिंग होना, उन दिनों में बहुत ज़रूरी है और वो आपको मिल सकती है एक्सरसाइज से। जब भी आपको पसीना ज़्यादा आता है तो आपकी जो बॉडी है ना वो और जो आपका फेस है वो ग्लो करने लगता है ऑटोमेटिकली। नंबर 4 पर आ जाता है कि आप अपनी नींद को ना पूरा करें, ना कि पूरी पूरी रात जागते रहें और कुछ देखते रहें या मोबाइल यूज़ करते रहें। इससे आपकी जो स्किन है ना वो मुरझा जाएगी और डल दिखेगी। नंबर 5 पर आ जाता है, जो भी स्किन केयर आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसमें नागा नहीं होना चाहिए। नंबर 6 पर आ जाता है कि जब भी आपने घर से बाहर निकलना है ना तो कोई भी अच्छे से सनब्लॉक या सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। नंबर 7 पर आ जाता है कि नेचुरल पैक्स जो होते हैं ना वो ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट दिखे। और नंबर 8 पर आ जाता है कि कोई भी ऐसी नेगेटिविटी वाली बात या कोई भी स्ट्रेस लेने वाली बात अपनी ज़िंदगी से एक दफ़ा कट ऑफ कर दें, उस वक्त में इन तमाम चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती है। नंबर 9 पर आ जाता है कि शादी से पहले एक स्ट्रेस होता है, एक डर होता है, जैसे कि आप ट्राई करें कि आप उसे ओवरकम करें और आप रिलैक्स रहें और आप मुतमईन दिखें, ताकि आपको देखने वाले को ये ना लगे कि हमारी बेटी जा रही है तो आपके माँ बाप जो है ना वो बस रोते रहें परेशान दिखें, उनका रिलैक्स रखें और आप कहें कि मैं मुतमईन हूँ, हर एक चीज़ में कंट्रोल में कर सकती हूँ और अल्लाह ताला के हुक्म से और आपकी दुआओं से सब कुछ ठीक रहेगा। और नंबर 10 पर आ जाता है कि एक हफ्ता पहले जो है ना वो आउटफिट आपके जो है ना हाथ में होना चाहिए, वो आपने पहनने होते हैं, ताकि यानी कि मेहंदी का ड्रेस, बारात का, वलीमे का, वो आपके हाथ में होते हैं, तो आपने ना उन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा पहन कर ज़रूर ट्राई करना होता है। मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाएं और उन चीज़ों को ट्राई करके पहन के देखें, 3 से 4 बहुत ही क्यूरियस सेल्फीज लीजिए, अपने मोबाइल में रखिए और उसे देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ही बिल्ट होगा, आप ना बहुत खूबसूरत दिखेंगे, आप स्ट्रांग भी दिखेंगे, और जब आप शादी वाले दिन तैयार होंगी ना तो आपको पता होगा कि मैं खूबसूरत दिख रही हूँ इन तमाम चीज़ों के अंदर। और हो सके अगर आपके पास टाइम हो तो कुछ ना कुछ बालों को बनाने का ट्राई किया जा सकता है, अपने आप आउटफिट्स के साथ या कोई मेकअप लुक जो है वो आप क्रिएट कर सकती हैं, ताकि आप खुश रहें, क्योंकि उन चीज़ों में हम लड़कियाँ जो है ना बहुत खुश रहती हैं, मुझे पता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, अगर ऐसा हो तो इसे भर भर कर लाइक कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिएगा जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।